हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा आपको 10 मज़ेदार हिंदी पहेलियाँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, ये वीडियो आपके दिमाग को चेक करने के लिए बनाया गया है, यानी अगर आपके अंदर दिमाग है तो आप इन पहेलियों के जवाब सोचकर ज़रूर दीजिए। और बहुत ही मज़ेदार और हंसो और हंसाओ वाले पहेलियाँ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले नंबर एक, वह कौन सी चीज़ है जो बाहर से सख्त होती है लेकिन अंदर जाने पर मुलायम हो जाती है? दोस्तों, अगर आपको किसी भी पहेली का जवाब पता है तो सोचकर जवाब जरूर दीजिए। इस पहेली का सही जवाब दोस्तों चिंगम। हाँ दोस्तों, जो पहले तो सख्त होते लेकिन मुंह में जाने के बाद मुलायम हो जाती है। पहली नंबर दो है दोस्तों, वे क्या है जिसमें आग नहीं लगती है फिर भी उसे बुझाना पड़ता है? इस पहेली का सही जवाब दोस्तों प्यास। हाँ दोस्तों, जिसमें आग नहीं लगती है फिर भी प्यास को बुझाना ही पड़ता है। पहेली नंबर तीन है दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज है जिसे काटते वो काटते तो है मगर बोते नहीं है? दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। इस पहेली का सही जवाब दोस्तों फसल, सॉरी बाल, जिसे काटते लेकिन बोते नहीं है। पहेली नंबर चार है दोस्तों, वह कौन सी आवाज है जिसमें सब सुन सकते हैं लेकिन आप खुद नहीं सुन सकते? इस पहेली का सही जवाब दोस्तों अपने खुद के खर्राटे। हाँ दोस्तों, नींद आने पर खुद के खर्राटे सब सुन सकते हैं लेकिन खुद नहीं सुन सकते हैं। पहेली नंबर पांच है दोस्तों, वह कौन सी चीज है जिसे करने के बाद इंसान बहुत ज्यादा पछताता है? दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस पहेली का सही है दोस्तों गलती। हाँ दोस्तों, गलती करने के बाद इंसान खुद बहुत पछताता है। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो यार प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दीजिए।